बच्चों की एक बहुत बड़ी क्वेरी है, बार बार मुझे इंस्टाग्राम पे बोल रहे हैं सर ये तो आपने बता दिया कि जो हो गया, बच्चे कह रहे थे ना अब अगले साल जो हमें रिजल्ट देना है हमारे लिए बैच स्टार्ट कर दो, 12th के कुछ बारे में कुछ बताओ। अरे सर बहुत बार 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 लाइव चैट भी स्पैम होगा इसी चीज से पूरा, बहुत सारे लाइव चैट में है ऐसा कुछ क्लास 12th के लेके बच्चे कह रहे सर एक टेंटेटिव डेट बता दो हमें बच्चे को जा रहे हैं। तो हम लोग ने मैंने एक्चुअली कम्युनिटी में वोट कराया था कि 5 तारीख 10 तारीख, और 5 तारीख का वोट था और 5 तारीख का कुछ बोला नहीं तो बच्चे थोड़ा सा डाउटफुल है। तो बच्चों आई थिंक 15th of March को वील कम एंड वी विल टेल यू अबाउट 12th बैच, एक कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दे आ रहे हैं ना, तो हम लोग कंप्लीट इन्फॉर्मेशन 15th March को देंगे। एंड कई बच्चे मुझसे पूछ रहे हैं सर बैच आएगा कि नहीं आएगा, मेरे पापा बोल रहे हैं कि आप आसमान वाली कोचिंग ज्वाइन कर लो, मेरे पापा बोल रहे हैं कि आप पाताल वाली कोचिंग ज्वाइन कर लो, तो मैंने कहा कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, अभी आएंगे बैचेस, 15 मार्च को हम लोग डिक्लेयर करेंगे। और मैं तो चाहता हूँ यहाँ से कुंदन सर बताएं कि इस बार हम लोग पास कितना टाइम है, इस बार हम लोग कैसी पढ़ाई करेंगे, इस बार तो अभी तो हम लोग ने शायद अक्टूबर से या नवंबर से स्टार्ट किए थे बैचेस, अगर सब लोग मार्च से स्टार्ट करते हैं हाउ फिनोमिनल इट विल बी। देखिए बच्चों जैसा कि सर ने बताया कि नया बैच जस्ट लॉन्च होने ही वाला है, लेकिन वो ईयर लॉन्ग बैच है, तो अब आप उम्मीद करो कि 3 महीने के शॉर्ट स्पान ऑफ टाइम में, लाइक 6 नवंबर को बैच शुरू हुआ, 23 फरवरी का जेई मेन का पेपर था, यानी मुश्किल से हमारे पास केवल और केवल 115 डेज थे। ओके, तो अब जब इस ड्यूरेशन में जब इतना अच्छा रिजल्ट हमने ले आया और उसमें बच्चों का सपोर्ट हमेशा मिलते रहा, तो इस तरह से यदि हम सर के हिसाब से 1 साल का बैच लॉन्च करते हैं तो मेरे हिसाब से उस बैच को, क्योंकि देखो जैसा सर ने बताया ये हमारा सीरियस प्लेटफॉर्म है, उम्मीद है मुझे देख के पता चल रहा होगा मैं नॉन सीरियस लगता भी नहीं हूँ और मुझे लगता है और हाँ अपने बैच में मैं फेमस भी उसी के लिए कि मैं, मुझे नहीं लगता कि मैं कोई ऐसा कुछ आज तक टीचिंग लाइन में मैंने किया है कि उससे रिजल्ट ना आए बाकी कुछ अच्छा आ जाए, है ना बड़ी घुमा के लाइन बोल रहे हो तो बच्चे नहीं, मतलब मेरा हमारा मतलब सर के हिसाब से और हमारा भी केवल एक ही एम है बच्चों, आपका जो भी बैच लॉन्च होगा चाहे 6 महीने का, 1 साल का, 3 महीने का, केवल और केवल रिजल्ट ओरिएंटेड होगा, उसको हम पूरी तरीके से कोशिश करेंगे कि 100%, वैसे परसेंटाइल की बात चलती है लेकिन 100% बच्चों का किसी बताने लायक कॉलेज में एडमिशन तो हो ही जाए, है ना, वो किसी ऐसे कॉलेज से इंजीनियरिंग ना करें कि वो बता ही नहीं पा रहा है कि मैं इंजीनियरिंग तो कर रहा हूँ लेकिन नहीं बताऊंगा तो हमारी ये पूरी कोशिश रहेगी। तो अब जब हमारे पास 1 साल का टाइम होगा, यदि हम इसको 9 मंथ्स बोलें तो ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि जब हमारा ईयर लॉन्ग बैच स्टार्ट होगा तो मोस्टली ये जनवरी 1st वीक तक ख़त्म हो जाता है जैसा कि बाकी जगह।